الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگو دوستو عمر سکتی و عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ سیاح لا مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ایک مرتبہ اور پورا مجمع مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک. اے لوگو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے آؤ. فاستغفر اللہ وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگو مغفرت طلب کرو. واستغفر لهم الرسول اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں.
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो तुम अल्लाह को पाओगे बहुत ज्यादा तौबाओं का कबूल फरमाने वाला मेहरबान। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने उन बंदों के लिए फरमा रहा है जो बंदे अपनी जानों पर जुल्म करें। क्या मतलब? गुनहगार, सियाकार, अल्लाह के कानून को तोड़ बैठा, अल्लाह के अहकाम पर अमल ना किया, अल्लाह ताला के फरामीन की नाफरमानी करता रहा, और अब चाहता है कि मेरे गुनाह की माफी हो जाए, मेरे गुनाह बख्श दिए जाए, तो अल्लाह फरमाता है चाहूक ए नबी, वो तुम्हारी बारगाह में आए। सवाल यह है कि जब हम किसी के गुनहगार होते हैं तो मुआफी मांगने कहां जाएंगे? हुकूकुल इबाद को आप ले लें, हमने किसी का हक तबा लिया, किसी को सताया, किसी का दिल दुखाया, तो मुआफी मांगने उसके घर जाएंगे, उससे माफी मांगेंगे। माँ बाप को अजियत पहुंचाई तो मुआफी कहां जाके मांगोगे? माँ बाप के पास? हुकूक अदा न किए, माँ बाप नाराज है तो मुआफी मांगने के लिए माँ बाप के पास? दोस्त का दिल दुखाया तो मुआफी दोस्त के पास जाके मांगो। रिश्तेदार का हक दबाया तो मुआफी रिश्तेदार के पास जाके मांगो, वो माफ करें। अब बंदा खुदा का, गुनहगार भी खुदा का, कानून तोड़ा खुदा का, नाफरमानी की अल्लाह की, अब अल्लाह फरमा रहा है कि मेरे बंदो, अगर तुमने मेरा कानून तोड़ा है, मेरी नाफरमानी की है, मेरा जुर्म किया है, अब माफी मांगना चाहते हो, अल्लाह फरमाता है कहां जाना है? हुजूर की बारगाह में। मौला बंदा तेरा, गुनाह तेरा, खताकार तेरा, काबा बुला लिया होता, हराम काबा में बुलाकर माफी मंगवाता, काबतुल्लाह की चौखट में नाक रगड़वाता, मगर अल्लाह फरमाता है काबा नहीं बुलाता। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी की बारगाह में जाओ, नबी के पास जाओ। मौला जब गुनहगार तेरा है तो हमें काबा बुलाता, मदीना क्यों भेज रहा है? फरमाया इसलिए कि काबा सिर्फ मेरा घर है और मुस्तफा का दर मेरा दर भी है और मुस्तफा का घर भी है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपने मुजरिमों को वहां बुलाया और वहां भेज कर कहता यहां माफी मांग। क्यों? इसलिए कि फरमाया बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मुस्तफा का दर दरे खुदा से अलग नहीं है, वहां आ गए समझ लो दरबारे खुदाबंदी में आ गए। और अगर कोई काबा चला गया, मक्का चला गया, तो जरूरी नहीं है कि वफादार मुस्तफा भी हो। जहन को हाजिर रखें आप लोग, अगर वहां बुला लिया जाता तो काबे में आने वाले तो बहुत है, दरबारे खुदाबंदी में मकबूल वही बंदा है जो दरबारे रसूल से होकर के आए। अगर वहां नहीं है तो फिर यहां भी नहीं है, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो मदीना का नहीं वो काबे का भी नहीं, जो मदीना का वफादार नहीं वो काबे का भी वफादार नहीं। हजरात गिरामी, लोगों ने तकसीम कर दिया है,
और अल्लाह तबारक व तआला तकसीम को पसंद ही नहीं फरमाता है। लोगों ने बांट दिया है, तकसीम कर दिया, कोया के अल्लाह की तारीफ उस वक्त तक इनकी नजर में कंप्लीट नहीं होती जब तक मकाम मुस्तफा को गिरा के बात ना की जाए। अल्लाह की हम किताबों में जो लिखा है आप देख, उसकी शान इतनी बुलंद, इतनी बुलंद कि उसके सामने हर मखलूक छोटा हो या बड़ा जर्रे नाचीज से कमतर है। तारीफ हो रही है अल्लाह की, मगर उसकी मखलूक उसके सामने उसकी बारगाह में जर्रे नाचीज से कमतर। माशाल्लाह, मैंने देखा इन्हें नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब किबला, माशाल्लाह। तो मैं बता ये रहा था कि छोटा हो या बड़ा, तो छोटे से मुराद तो हम आप हो गए, आखिर बड़े से मुराद क्या है? तो जाहिर बात है दुनिया में अल्लाह की मखलूकात में सबसे बड़ी जात किसकी है, पूछ रहा हूं आपसे, है कोई उनसे बड़ा? जी, एक नक्शबंदी सिलसिले के बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं, सुने आप, दुनिया का बड़े से बड़ा काफिर दुनियावी एतबार से चाहे जितनी इज्जत हो, जितना ऊंचा मकाम हो, जहां दुनिया के एतबार से काफिर की अजमतों रिफातों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से अदना दर्जे के मोमिन की इब्तिदा होती है, उसके शान की। अदना दर्जे का जो मोमिन है, छोटे से छोटा मोमिन, फरमाया बड़े से बड़े काफिर की अजमतों रिफतों बुलंदी की जहां इंतहा हो जाए, वहां अदना मोमिन के शान की इब्तिदा होती है, और जहां अदना मोमिन की अजमतों रिफतों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से एक मोमिन कामिल के शान की इब्तिदा होती है, और जहां एक मोमिन कामिल की अजमतों रिफातों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां विलायत की शान की इब्तिदा होती है, और जहां एक वली की अजमतों रिफातों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से एक कुतुब के शान की इब्तिदा होती है, और जहां एक कुतुब की अजमतों रिफातों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से अब्दाल के शान की इब्तिदा होती है, और जहां अब्दाल की अजमतों रिफातों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से फर्द के शान की इब्तिदा होती है, और जहां फर्द की अजमतों रिफातों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से फर्दुल अफराद के शान की इब्तिदा होती है, और जहां फर्दुल अफराद की अजमतों रिफतों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से गौस के शान की इब्तिदा होती है, गौस की अजमतों रिफतों बुलंदी की इब्तिदा होती है, और जहां एक गौस की अजमतों रिफतों बुलंदी की जहां इंतहा हो जाए, वहां शान गौस आजम की इब्तिदा होती है, वहां से मकाम गौसिया गौस आजम गौसियत कुबरा का मकाम शुरू होता है, और जहां एक गौस आजम की अजमतो रिफतो बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से मकाम सहाबियत शुरू होता है, और जहां मकाम सहाबियत की अजमतो रिफतो बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से मकाम सिद्दीकियत शुरू होता है। जरा सोचे आप मकाम कितना ऊंचा है, और जहां सिद्दीकियत के मकाम की अजमत और रिफत और बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां नबी के शान की इब्तिदा होती है, और जहां एक नबी के शान की अजमत और रिफत और बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से रसूल के शान की इब्तिदा होती है, और जहां एक रसूल की अजमत और रिफत और बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से उलुल अज़्म रसूलों की शान की इब्तिदा होती है, और जहां उलुल अज़्म रसूलों की अजमतों रिफतों बुलंदी की इंतहा हो जाए, वहां से मकामे मुस्तफा शुरू होता है।
ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कू। फरमाया मकाम मुस्तफा की इंतहा इब्तिदा वहां से होती है, तो कहते हैं फिर इब्तिदा इंतहा क्या है? तो फरमा इंतहा का इल्म किसी को नहीं है, कोई नहीं जानता कि उनका मकाम मुंतहा क्या है, इंतहा का मकाम क्या है। इब्तिदा इतनी बुलंदी से हो रही है तो जरा सोचो, बस कहने वाले ये कहकर चुप हो गए कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक्कू, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह के बाद मखलूकात में सबसे ऊंचा मकाम अगर किसी जात का है तो आमिना के लाल का है। अब ये कहने वाला जब ये कहता है कि उसकी शान के आगे हर मखलूक छोटा हो या बड़ा, तो छोटे में तो हम आप आ गए और बड़ों में कौन है? सबसे बड़ी जात मेरे मुस्तफा की चमार से ज्यादा जलील, माज अल्लाह, सद हजार बार माज अल्लाह बोले माज अल्लाह। गोया जब तक मुस्तफा की शान घटाई ना जाए इनके यहां तौहीद मुकम्मल ही नहीं होती है, तौहीद की अजमत बयान ही नहीं हो पाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करें, आओ अल्लाह की शान यकीनन बुलंदो बाला है और उसी बुलंदो बाला खुदा ने अपने मुस्तफा की जात को बुलंद फरमा दिया। और कैसा बुलंद किया? खुद ऐलान कर दिया वरफाना लक जिक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। कितना बुलंद किया उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अल्लाह हमें वो कान अता फरमाए जो इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने दिए थे। आला हजरत क्या फरमाते, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जिधर कान लगाता हूं मुस्तफा के तराने है, जिधर कान लगाते हैं मुस्तफा की दास्तानें हैं, जिधर कान लगाते हैं मुस्तफा की रिफतें हैं, मुस्तफा की बुलंदियां हैं। तो हजरत गिरामी मैं बताना यह चाहता था कि लोगों ने अल्लाह से मुस्तफा को अलग करना चाहा, जुदा करना चाहा। हम उन्हें खुदा नहीं कहते, हम मुस्तफा को खुदा नहीं कहते, मगर खुदा से जुदा भी नहीं कहते। अल्लामा हसन रजा ने फरमाया था तुम जाते खुदा से न जुदा हो न खुदा हो। याद रखिएगा, सताओगे तो अंधेरा, अलग करोगे तो अंधेरा। जानते हैं लाइट जल रही है कितने तार पे जलती है जी? दो ना। और कोई कहे कि ना भाई हम तो एक से चलाएंगे, जल जाएगी रोशनी होगी। और कोई कहे दोनों को साथ में पेच दे के घुसोड़ देंगे तो भी अंधेरा, अलग किया तो भी अंधेरा। और जुदा भी मत करना, सटाना भी मत, साथ साथ रखना। साथ साथ रखोगे तो जगमगा जाएगा, रोशनी हो जाएगी। और ये साथ वाले तार भी जो होते हैं ना, ये भी कमाल के हैं ना। कौन कौन से तार? दो तार हैं वो जी, फेस और न्यूट्रल, एक ठंडा एक गरम, एक ठंडा एक गरम। दोनों साथ में रहेंगे तो मस्जिद रोशन, मदरसा रोशन, खानकाह रोशन। अलग करो तो अंधेरा, मिला दो तो अंधेरा। फरमा एक है तौहीद का तार जो गरम है जलाल वाला है, एक मुस्तफा की रहमत का ठंडा तार। अलग भी मत करना, मिला भी मत देना, साथ साथ रखोगे इन तारों को तो, इन तारों को साथ रखोगे तो मस्जिद जगमग जगमग करेगी, तुम्हारी लाइटें जल जाएगी, रोशनी होगी। फरमाया तौहीद और रिसालत को अलग करोगे तो भी कुफ्र हो जाएगा, मिलाओगे तो शिर्क हो जाएगा, और साथ साथ रखोगे
तो ईमान रोशन हो जाएगा, मुनव्वर हो जाएगा, और जमीर रोशन होगा, कल्ब मुनव्वर होगा। और खाली कल्ब ही मुनव्वर नहीं होगा, अंधेरी कब्र में जाओगे तो अंधेरी कब्र में रोशनी हो जाएगी, वहां नूर जगमगाने लगेगा। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, रहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो बहरहाल बता ये रहा था कि अल्लाह ने फरमाया बंदो गुनाह मेरा किया, माफी मांगना है, तौबा करनी है, कहां जाओ? जाओ ए नबी तेरे पास आए, तेरी बारगाह में आए, वहां आकर मगफरत तलब करे। मौला माफी मांग लू तो हो जाएगी? फरमाना है अभी नहीं, तू लाख गिड़गड़ा, मेरी रहमत तो लबे मुस्तफा को देख रही है। फस्तग़फिरुल्लाह, वहां आके तू माफी मांग, फिर क्या होगा? वस्तग़फर लहुमुर रसूल, तेरे लिए अगर मेरा मुस्तफा मगफरत की दुआ मांगे, लवजदुल्लाह, तो तुम अल्लाह को जरूर पाओगे। अरे अगली बात को थोड़ा रहने दे, इसको इसको जरा देख ले आप। वलो अन्नहुम इज ज़लमु अन्फुसहुम जाऊक, अपनी जानों पर जिन्होंने जुल्म किया, हबीब वो तेरी बारगाह में आए, फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह से मगफरत तलब करें, वस्तग़फर लहुमुर रसूल, फिर मेरा रसूल भी बख्शिश की दुआ कर दे, लवजदुल्लाह, तो तुम अल्लाह को जरूर पाओगे। मौला मेरे घर में नहीं मिलेगा तू? तू तो हर जगह है ना, तू तो अल्लाह की जात हर जगह है। कौन सी जगह है जहां रब का जलवा ना हो? मगर खास तौर से फरमाया लवजदुल्लाह, तो तुम वहां अल्लाह को जरूर पाओगे, मगर किस शान से पाओगे? फरमाया तव्वाब रहीमा, मुझे जब वहां पाओगे ना दरे रसूल पर, तो फिर तौबाओं का बहुत ज्यादा कबूल करने वाला मेहरबान पाओगे। मौला तू तो कहार और जब्बार भी तो है? फरमाया हां मैं कहार भी हूं, मैं जब्बार भी हूं, मैं मुतकब्बिर भी हूं, मगर दरे रसूल पर आओगे तो मैं शान कहारी और जब्बारी नहीं दिखाऊंगा, दरे रसूल पर आओगे तो फिर रहमत का दामन फैला दिया जाएगा, मैं तवाब भी तवाब तुम्हारे सामने तवाबी का मजाहरा पेश करूंगा और अपनी रहमत का नजारा पेश करूंगा। पता ये चला कि दरे रसूल पर आओगे तो अल्लाह जलाल से हट करके रहमतों की बरसा बरसा देगा। अल्लाह ने फरमाया यहां आओ, यहां आओ। साहिब तफसीर नसफी इसी आयत के तहत तफसीर में एक वाकया लिखते हैं, ये वाकया दौरे मुस्तफा का है। साहिब तफसीर नसफी ने लिखा है कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो उसका मैं जरा पस मंजर आपको बता दूं, फिर उसके बाद साहिब तफसीर ने जो लिखा है वो बता दो। वो जमाना सुस्त रफ्तारी का जमाना था। एक वाकिया अगर किसी शहर में रूपजीर हो जाए, हुकू पजीर हो जाए, तो दूसरे शहर में लोगों को खबर होती थी महीनों बाद। बराबर है, अब से 100 साल पहले भी लगभग लगभग यही हाल था, मगर ठीक था। 1400 साल पहले क्या होगा, मंडियां लगती थी, बाजार लगते थे। अब वहां अतराफ व अकनाफ के लोग मंडी में आते, मुलाकात होती तो वहां की खबर उस गांव में जाती। यह सिस्टम था, सुस्त रफ्तारी का जमाना। मौजूदा जमाने में अभी यहां कुछ हुआ तो पूरी दुनिया देख लेती है। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, बर्क रफ्तारी का जमाना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई, मगर चूंकि फास्ट जमाना नहीं था, बर्क रफ्तारी का जमाना नहीं था, आयत उतर गई। मदीने वालों को सरकार ने सुना दिया, लोगों ने लिख लिया। उसी जमाने में जजीरतुल अरब में
एक शख्स रहता था, बड़ा गुनहगार, बड़ा सियाकार, जिंदगी का लम्हा लम्हा गुनाहों में गुजरा। कभी कभी ख्याल आता कि अब मैं अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगू, तौबा करूं। अचानक अपने गुनाह पर नजर पड़ती, मायूस हो जाता, इतने गुनाह करके अब क्या तौबा करेगा, इतना गुनाह करके अब अल्लाह क्या खाक माफी देगा, अल्लाह तेरी तौबा कभी कबूल नहीं फरमाएगा। गुनाह के अंबार देखता तो कभी कभी हूक उठती कि माफी तलब कर लूं, मगर फिर मायूस हो जाता, नर्वस हो जाता, फिर जिंदगी की वही रविश चल पड़ती। यह सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे ये आयत करीमा मदीना से चलते 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 उसके गांव में आई। अचानक उसके कान में ये आयत करीमा टकराई, अरे लोगो, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर चुके हो तो मेरे नबी के पास चले आओ और वहां आके माफी मांगो, मेरा रसूल भी दुआए मगफरत कर देगा, तो अल्लाह तुम्हारी तौबाओं का कबूल फरमाने वाला और बड़ा मेहरबान है। जैसे ही उसने ये आयत सुनी, गोया उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे जंगल में अंधेरी रात में कोई मुसाफिर रास्ता भटक गया हो और रास्ते की तलाश में हो, अचानक आसमान पर बिजली चमकी और रास्ता नजर आ गया। कितना खुश होगा आदमी, कितना मसरूर होगा। अचानक गोया अंधेरे में बिजली का काम कर गई, खुश हो गया। ना ला तखनुतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। यह आयत करीमा ने जोश दिलाया, उम्मीद बंधाई, सीधे घर गया, ऊंट लिया, साजो सामान रखा और मदीना के लिए रवाना हो गया। क्योंकि रब ने फरमाया है ना, अल्लाह ने फरमाया यहां आ जाओ, मेरी बारगाह में आओ। कहते हैं साहिबे तफसीर नसफी रहमतुल्लाह अलैह कि वो सीधे मदीना गया, मस्जिद नबवी के बाहर अपने ऊंट को बांधा, मस्जिद नबवी में पहुंचा, कई सहाबा बैठे हुए हैं वहां, एक एक को देख रहा है, मगर हर कोई गुमसुम बैठा हुआ है, हर कोई उदास बैठा हुआ है। एक साहब को मिला, सलाम किया, कहा लोगो मुझे बताओ अल्लाह के हबीब कहाँ है, आमिना के दुर्र यतीम कहाँ है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर कहाँ है। जैसे ही सरकार का नाम सुना वो सहाबी जारों की कार रोने लगा, मगर जवाब न दे सका। उसने सोचा पता नहीं इनको क्या हो गया है, दूसरे के पास आए, उसे उनसे आकर आका का पता पूछा। जैसे ही सरकार का नाम लिया सहाबी रोने लग गए, मगर जवाब न दिया। तीसरे के पास गया, रोने लग गए, चौथे के पास गया, आका का पता पूछा, हे लोगो मालिक जन्नतुल नईम कहां है, हे लोगो हौजे कौसर साहिब हौजे कौसर कहां है, अल्लाह के हबीब कहां है, मालिक कौनैन कहां है, सारी दुनिया के ताजदार कहां है। जो सुनता था वो रोता जाता था। सबसे आखिर में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पर नजर पड़ी, वहां गए और जाकर के पूछता है, आप बताएं अल्लाह के पैगंबर कहां है, मालिक जन्नतुल नईम कहां है, कासिम नेमत कहां है। हजरत अबू बकर की आंख से आंसू निकल पड़ा, रोने लगे, कहा क्या बात है, कहा मैं बहुत दूर से आया हूं, मैं अपने आका से मिलना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए फरमाया, ऐ अराबी, ऐ आने वाले, तू आया तो है मगर आने में जरा देर तूने लगा दी है, तूरी ताखीर कर दी है, थोड़ा ताखीर से तू आया है, काश के तीन दिन पहले आता तो मेरे मुस्तफा की मुलाकात हो जाती, आज से तीन दिन पहले मेरे आका का विसाल हो चुका है। सरकार ने पर्दा फरमा लिया। अब जैसे ही उसने ये लफ्ज सुना कि सरकार का विसाल हो गया, आका का इंतकाल हो गया, तो क्या पूछना, इतनी उम्मीद लेकर के आया था, दिल टूट गया, चूरा चूरा हो गया। तो कम से कम मुझे मजारे रसूल तो दिखा दो। अबू बकर सिद्दीक ने इशारा किया था, उसी हुजरे में है। वो गया, तुर्बत बनी हुई थी, अब वो पर्दे और जालियां उस जमाने में, उस वक्त में तीन दिन हुए थे सरकार को विसाल हुए, जाकर के तुर्बत रसूल पर बैठा, बैठकर रोने लगा, कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर यह आयत करीमा नाजिल हुई है, जब आप पर खुदा को यह आयत नाजिल करनी थी तो आपको दुनिया से जाना नहीं चाहिए था, और जब आपको दुनिया से जाना था तो इस आयत को नाजिल नहीं होना था, क्योंकि रब तो यह फरमा रहा है कि जानों पर जुल्म कर चुको तो मेरे नबी के पास आओ। जब यह आयत हमें पुकार पुकार के बुला रही है
और आप दुनिया से चले गए तो इस आयत को अगर नाजिल होना था तो आपको दुनिया से जाना नहीं चाहिए था, और आपको अगर जाना था तो इस आयत को नाजिल नहीं होना चाहिए था। आखिर ये मुअम्मा क्या है? रोने लगा, बिलखने लगा कि आखिर अब हम जाए तो कहां जाए, किसके दरवाजे पर जाए। और ये कहते कहते जब दिल टूटा हुआ था तो अल्फाज का जोड़ भी ना बैठ पाया और कहते कहते बिलखते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह क्या आप भी ऐसे ही मर गए जैसे और लोग मर जाते हैं, क्या आप भी मरकर मिट्टी में मिल गए, अब हम जाए तो कहां जाए। जल से ही उसने कहा कि आम लोगों की तरह आप भी मर के मिट्टी में मिल गए तो मजारे अनवर से आवाज आती है, ऐ अराबी जाओ, मेरे खुदा ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। सॉरी जी 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 सारे खताएं माफ फरमा दी। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुजरिम बुलाए आए हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, बगैर दलील और बगैर गवाह के नहीं आए हैं, कुरान का जुमला लेकर के आए हैं, हमारे आने की गवाही ये जाऊ कह रहा है और हम खुद नहीं आए। कौन बुला रहा है जी? अल्लाह बुला रहा है। अल्लाह फरमाता है जाओ, अलाजत कहते हैं मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब? ये शान करीमों के दर की है। हाँ, अरे सखी के घर की शान नहीं होती, सखी के घर की ये शान नहीं होती कि खुद से आने वाले को वापस कर दे, खुद से आने वाले को वापस कर दे सखी सखी की शान के खिलाफ। मेरा मुस्तफा खाली सखी नहीं, वो करीम है, वो करीम है, और आने वाला खुद नहीं आया, बुलाया गया है। जब बुलाया गया खुद से सखी के दरवाजे पर आए तो खाली ना लौटे, और सखी अगर खुद बुलाए जी, सखी अगर खुद बुलाए कि आओ मदद कर दूंगा, आओ झोली भर दूंगा, तो बोलो वापस जाएगा बंदा? खाली जाएगा बंदा? खुद बुलाने वाला रब, भेजने वाला रब, फिर रद हो कब? ये शान करीमों के दर की है, ये सवालिया है। क्या ये करीमों के दर की शान है कि मुजरिम बुलाए और गवाह जाऊद है तो फिर आए आने वाले तेरी मुराद कभी रद हो ही नहीं सकती, इसलिए कि वो दरबार है। सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। मंगता का हाथ उठते ही, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन है, दूरी कबूल व अर्ज में कितनी है? हाथ भर की है। कह दे यार सुभान अल्लाह, दूरी कबूल व अर्ज में हाथ भर की है। क्या हजरत का कलाम है, हाँ? मैं तो समझता हूं कि आला हजरत के कलाम को खाली जो समझ लेना वही हजरत हो जाते हैं, जो समझ लें आला हजरत के अशार को वो हजरत हो जाते हैं। एक मकाम पर आला हजरत फाजिले बरेली फरमाते हैं, वाह क्या जूद व करम, वाह क्या जूद व करम है शहे बतहा तेरा, नहीं बोलिए नहीं सुन, क्या बात है, फैजान अशरफुल फुका हो रहा है। सुन ले अब, शायद इसी शेर पर तकरीर हो जाएगी। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। कभी मैंने इस पर गौर किया था, एक मिसरे में, पहले ही मिसरे में जूद और करम दोनों लफ्ज आला हजरत ने लिखे हैं। जब मैंने कुछ लुगत वगैरह खोली तो देखा तो उसमें जूद और करम के करीब करीब माना एक ही है, अता करना, देना। अब मेरे जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि जब दोनों लफ्ज एक ही माना पर दलालत कर रहे हैं तो आला हजरत जैसी शख्सियत दो मरतबा इस लफ्ज को लिखने की जरूरत क्या है? हो सकता है आला हजरत के अलावा कोई शायर होता तो हम दिल को तसल्ली दे देते कि शेर के वजन को बिठाना था।
लेकिन आला हजरत का कलाम शायर सोच सोच के लिखता है। आला हजरत कभी शायरी सोचते नहीं थे, बस आका की याद आई और बोलते थे और शायरी बन जाती थी, और ऐसी शायरी बन जाती थी कि दुनिया अश अश आज तक कर रही है। सरकार मुहद्दिस आजम हिंद अली रहमा फरमाते हैं, एक मरतबा मैं दिल्ली लखनऊ में था, बल्कि दो वाकई है ये, लखनऊ में ऑल इंडिया मुशायरा, हिंदुस्तान के नामी गिरामी शोरा, और मुझे भी मधु कर दिया गया, मैं भी जाके बैठा। बड़े बड़े शोरा अपना अपना कलाम पेश कर रहे, उर्दू या मुअल्ला के अशआर, उस्ताद शोरा। अब बड़े बड़े शायर जब अपना अपना कलाम पेश करने लगे तो इंतजामिया ने मुझसे कहा कि मुहद्दिस साहब आप भी कुछ सुना दें। तब मुहद्दिस साहब तो मुहद्दिस थे, शायर भी अपनी जगह, बड़े शायर थे वो भी, मगर आप फरमाते हैं कि मैं सोचने लगा ये उस्ताद शोरा के सामने कौन सा कलाम पढ़ा जाए, तो बस मुझे आला हजरत याद आ गए। मैंने कहा लाओ आज आला हजरत का कलाम पढ़ देते। फरमाते मैं खड़ा हो गया माइक पर और मैंने सब शेर सुनाना शुरू किया, वो सरवरे किश्वरे रिसालत, जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए इरारे तरप के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, खुदा ही दे सबरे जाने पुर गम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, कि जब उनको झुरमुट में लेके कुछ सी जिना का दूल्हा बना रहे थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन तपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके भोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। आप ये अशआर पढ़ रहे थे, अब जरा सोचो कलाम आला हजरत का, ज़बान मुहद्दिस आज़म की। आज हम जैसा छोटा मोटा पढ़ता है तो झूमने लगती है पब्लिक, और पढ़ने वाला मुहद्दिस आज़म हो और कलाम आला हजरत का हो तो फरमाते हैं कि मैं पढ़ता भी जाता था और शायरों को देखता भी जाता था। तब फरमाते खुदा की कसम ऐसा लग रहा था जैसे गुलाब की टहनियां बादे सबा के झोंकों से झूमती जाती है, अपने वक्त के उस्ताद शोरा को मैंने झूमता हुआ देखा, और जब मैंने कसीदा मुकम्मल किया और बाद में माइक पर खड़े खड़े कहा, मैं उन उस्ताद शोरा से चाहता हूं कि इस कलाम के बारे में कुछ जबान खोले, तो फरमाते हैं कि उन शायरों ने बयक जबान होकर के कहा था कि मुहद्दिस साहब ये जबान शायरी की वो जबान है जो कौसर और सलसबील से धुली हुई जबान है। आज तक हमने ऐसा कलाम सुना ही नहीं है। अब अगर इसको मैं अपने अंदाज में बोलूं तो गोया मुहद्दिस आजम शोरा उस्ताद शोरा से पूछ रहे हैं इस कलाम के बारे में क्या कहना है, तो मेरा विज्ञान कहता है उन अल्फाजों को जरा फैला दो तो फिर यूं अल्फाज बनते हैं कि मुहद्दिस साहब तुम समझते हो आला हजरत आलिमों के आला हजरत है, वह मुफ्तियों के आला हजरत है, वह कारियों के आला हजरत है। हम शायर मुत्तहिद होकर कहते हैं कि वो खाली उलमा के आला हजरत नहीं, हम शायरों की दुनिया के भी आला हजरत है। इसीलिए किसी ने कहा था कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। तो आला हजरत की शायरी आला हजरत की शायरी है। तो मैं बता रहा था जूद और करम करीब करीब हम माना है, मैं सोच में पड़ गया यार एक ही लफ्ज दो अल्फाज जो हम माना है इसे शेर में डालने की जरूरत क्यों पेश आई, और वहां अल्फाज गौर कर करके लाए नहीं जाते थे, वहां अल्फाज खुद आते थे। फिर मैंने थोड़ा सा गहराई में उतरने की कोशिश की तो एक चीज सामने आई, वाह आला हजरत कमाल है आपकी। एक फर्क ये नजर आया कि करम उसे कहते हैं जो मांगने पर मिले, और जूद उसे कहते हैं जो बगैर मांगे मिल जाए। करम वो जो मांगने पर मिले और जूद वो जो बगैर मांगे मिल जाए, इसलिए फरमाया वाह क्या जूदो करम। ए शाह बता वाह
जो आने वाला मांगता है तो दामन भर के जाता है, और न मांगे तब भी दामन भर के जाता है। मांगो तो मिले, न मांगो ऊंची बोले तो मिले। क्यों अपनी गली में वो रवादारी सदा हो, जो भीख लिए राहे गदा देख रहा हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। तो वाह क्या जूदो करम। एक हदीस सुन ले आप, हजरत सैयदना कतादा रदी अल्लाह ताला ने, आला हजरत ने ये जुमला जो कहा, करम और जूद, मांगो तो मिले। हाँ यूं ही नहीं कहा है, आला हजरत थे, उनकी नजर वहां थी। हजरत कतादा एक जंग में आपकी आंख में तीर लगा, ढेला निकलकर बाहर आ गया। एक रिवायत में है कि नीचे गिर ही गया, एक रिवायत में है कि गाल पे लटक गया। साहबा ने देखा कि गाल पे ढेला लटक गया है, तो कहा इसे काट के अलग कर लो वरना तकलीफ बढ़ जाएगी। हजरत कतादा कहने लगी ना इसे अलग ना करें, मुझे हुजूर के पास ले चलो। सरकार भी तशरीफ फरमाते हैं। साहबा ने कहा ठीक है, वहां गए। हजरत कतादा हुजूर से कहते हैं या रसूलल्लाह मेरी आंख। सरकार ने फरमाया कतादा अगर तुम चाहो तो आंख तुम्हें लौटा दो। अब बोलो आंख चाहिए या जन्नत, तुम्हें आंख चाहिए या जन्नत। हजरत कतादा कहने लगे या रसूलल्लाह हमने जन्नत तो मांगी नहीं, आंख तो मैंने मांगी है, जन्नत आप फरमा रहे हैं। मैंने तो खाली आंख का सवाल किया है, जन्नत आपने फरमाया। आका मुझे आंख चाहिए, आका ने फरमाया कि आंख ले और जन्नत भी ले जाओ। आंख मांगने पर मिली और जन्नत मुस्तफा ने अपनी तरफ से अता फरमा दी। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। आगे क्या है, नहीं सुनता ही नहीं। आला हजरत ने तो जिस आलम में कहा हो, जो आता कभी नहीं का लफ्ज हुजूर की जबान से निकला नहीं। जो आता ले जाता, जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। फिर कहते मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हजरत गिरामी नहीं सुनता ही नहीं। जुमाना ही एक तो ये कि जो मांगने वाला आया हुजूर की जबान से कभी नहीं का लफ्ज नहीं सुना, एक बार। दूसरा माना इसका यूं भी बनता है कि जो आया तो लिए बगैर नहीं उठा, मैं नहीं जाऊंगा और यहां से गया तो जाऊंगा कहां, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। यहां से जाएंगे तो कहां जाएंगे, गोया ऐसा जम के बैठा अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। आला हज़रत ने जो फरमाया हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, हमसे फकीर भी अब फेरी को उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं। ये बिस्तर जमाने वाले, एक माना ये होगा बिस्तर जम गया है लूंगा तभी जाऊंगा, एक माना हुआ नहीं हुजूर ने कभी नहीं नहीं कहा। दूसरा ये कि साहिल की तरफ अगर निस्बत हो तो फिर ऐसा मांगने वाला कि बैठ गया तो लिए बगैर नहीं जाऊंगा। ये दो माना उस जमाने के एतबार से और मौजूदा जमाने के एतबार से मेरी अकल में जो आता है वो ये है। अल्लामा गुलाम मुस्तफा साहब अभी मदीना से आए हैं, अल्लाह सबको मदीना ले जाए। आप जाएंगे तो आप देखेंगे रोजे रसूल के सामने खड़ा होता है दीवाना, काबी की तरफ पुष्ट करके हाथ उठा देता है, हाथ उठाकर खड़ा हुआ है, साहिल सवाल कर रहा है, लाल रुमाल वाला आएगा, हाजी शेर हाजी शेर हाजी शेर काबा इधर है काबा इधर है। अगर वो ना माने तो हाथ पे हाथ मारता है, हाथ नीचे करता है, घसीट के ले जाता है। अब बाज औकात होता यह है कि आदमी मांगने के लिए खड़ा हुआ है, वो आता है हाजी शेर, वो हाथ नीचे कर देता है, फिर वो उधर चला गया तो फिर आके खड़ा हो गया, फिर उधर से आया फिर हाथ मारा हाजी।
भी शेर, फिर हाथ नीचे कर दिया, उधर थोड़ा चलता हुआ बनता है, जैसे वो आगे गया फिर आगे खड़ा हो गया, नहीं सुनता ही नहीं। ये थक गया लाल रुमाल वाला रोकते रोकते, मगर नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तनख्वाह ले लेके रोकता है और ये मुफ्त में आके मांग रहा है, पिटाई भी खाता है, डंडे भी खाता है, कॉलर भी पकड़ाता है, मगर फिर नजर चुका कर आता है, अगिस ने या रसूल अल्लाह, अगिस ने या रसूल अल्लाह, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं। क्यों? मंगता का हाथ उठते ही दाता की देख ली, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। कितनी दूरी है? हाँ, हालांकि होती है दो हाथ की। मैंने मांगने के लिए बढ़ाया, आपने देने के लिए बढ़ाया, कितना फासला हुआ जी? आलाहज़रत फरमाते हैं दो नहीं, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। तो समझ में नहीं आया, दूरी तो फासला तो दो हाथ का है, तो फरमाया तू समझा नहीं, बस तेरे हाथ के उठना है, तेरा ही फासला है, मुस्तफा का कोई फासला नहीं है। النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم, نبی ایمان والوں کی جان سے زیادہ قریب ہے, جہاں ہاتھ اٹھا دیا وہاں بھیک مل گئی۔ یہ ہے مصطفیٰ کا دربار, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے۔ اے 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 کہتے ہیں یار سبحان اللہ, کہتے ہیں مانگیں گے منہ مانگی پائیں گے۔ کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے, لا کا معنی بھی نہیں ہے, کیونکہ اس سرکار میں لا نہیں ہے, نہیں یہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ حاجت اگر کی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آپ میرا یہ کام کریں گے اگر تو یہ دوں گا, آپ اگر ایسا کرو گے تو میں ایسا کروں گا, اگر ووٹ دو گے تو آپ کا روڈ بنا دوں گا, اگر ووٹ دو گے تو اسٹیشن کا کام ہو جائے گا, اگر ووٹ دو گے تو اسکول بنے گا, تو اگر تو کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں اگر نہیں ہے, نہ اگر ہے نہ مگر ہے, کیونکہ انہیں ہم سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ, حضرت جی آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی وضو کے لیے پانی پیش فرماتے تھے, ایک دن سرکار کا دریائے کرم جوش میں آیا, سل یا ربیہ ما شیتا, اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے, سوال کر کیا سوال کرتا ہے, مانگ کیا مانگتا ہے؟ ربیہ آپ کی عظمتوں پہ قربان جائیں۔ مانگا تو کیا مانگا؟ یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ, سرکار جنت میں آپ کی صحبت چاہتا ہوں, جنت میں بھی خادم بن کر کے رہوں۔ آقا نے فرمایا اور وہ تو دے دی, اور مانگ, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ اب مانگے تو کیا مانگے؟ جنت میں آپ کی سنگت اور صحبت مانگی, آقا نے فرمایا دے دی اور مانگ۔ اے 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 اعلیٰ حضرت فرماتے ہم بھکاری وہ کریم, ہم بھکاری وہ کریم, ان کا خدا ان سے فضول, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی, اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ حضرت ربیعہ بن کعب نے کیا مانگا حضور سے؟ کیا مانگا؟ جنت, جنت مانگی نا۔ یاد رکھیے گا سرکار, اگر بے اختیار ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ربیعہ کچھ دنیا کی چیز مانگ, کچھ سونا چاندی درہم و دینار مانگ, اونٹ گھوڑا خچر مانگ,
कोई बाग बागीचा मांग, क्या मांग लिया जन्नत, वो तो अल्लाह देगा ना। हुजूर को ये फरमाना चाहिए था और रबिया को सवाल करने से पहले सोचना चाहिए था। पता ये चला कि रबिया का अकीदा था कि मालिक-ए-कुल ने आपको मालिक-ए-कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा वो इख्तियार में। वो जानते थे कि मुस्तफा से जन्नत मांगूंगा तो जन्नत मिलेगी। और कमाल की बात इसमें यह है कि है तो बहुत मशहूर रिवायत है हदीस, कमाल की बात यह है कि मियां जन्नत कोई गोडाउन नहीं है, हॉल नहीं है, वो शादी का हॉल नहीं है कि सब एक ही साथ दाखिल हो गए। दर्जात हैं जन्नत के, नमाजी है, पाबंद सौम सलात उसकी जन्नत है, पाबंद सौम सलात के साथ हाजी साहब भी हैं तो जाहिर बात है खाली सौम सलात के पाबंद वाले के साथ हाजी तो बढ़ गया ना, उनको साथ में रखेंगे ना। इसके पास हज मबरूर है, इसका दर्जा अलग होगा। अब कोई पाबंद सौम सलात भी हो, हाजी भी हो, आलिम हो, वो उनके साथ तो नहीं रहेगा ना, उसका दर्जा कुछ और होगा। पाबंद सौम सलात भी हो, हाजी भी हो, आलिम भी हो और मुफ्ती भी हो, उसका दर्जा अलग होगा। पाबंद सौम सलात भी हो, हाजी भी हो, आलिम भी हो, मुफ्ती भी हो, अशरफुल फुकहा भी हो, खाली फकीह नहीं, फुकहा तो है मगर फुकहा में जो अशरफ हो तो जाहिर बात है उसका दर्जा कुछ और होगा। फिर अपने वक्त का कोई मुजद्दिद हो, फिर वली गौस कुतुब अब्दाल हो, फिर अंबिया हो, ये दर्जे हैं सबके। और जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा, उस दर्जे में सिर्फ आमिना का लाल होगा, क्योंकि मकाम बुलंद है, ऊंचा मकाम। तो उस आला जन्नत में, उससे ऊपर जन्नत का कोई दर्जा नहीं, उस जन्नत में मुस्तफा होंगे। और हजरत रबिया ने जन्नत मांगी भी तो कौन सी, क्या गौर कर रहे हैं आप, खाली जन्नत नहीं मांगी, यही तो कमाल है रबिया के सवाल का। खाली ये नहीं कहते आका बस इतना कर दे कि मैं जन्नती हो जाऊं, फरमा ना मुराफकत का फिल जन्ना, जन्नत में आपकी सोबत चाहता हूं। गोया नमाजियों वाली जन्नत नहीं, हाजियों वाली नहीं, उलमा वाली नहीं, फुकहा वाली नहीं, वलियों वाली नहीं, सहाबा वाली नहीं, आका जिस जन्नत में आप होंगे वहां मैं रहूंगा। और मेरे मुस्तफा ने वहां भी ना नहीं कहा, ना नहीं कहा, रबिया दुआ करूंगा अल्लाह चाहे तो दे देगा, दुआ करूंगा अल्लाह चाहे तो दे देगा, अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह जिसे चाहे अता फरमाए, मैं क्या कर सकता हूं, ना ना। आका ने फरमाया जन्नत दे दी, और मांग और मांग। पता चला मुस्तफा जन्नत के मालिक है, जन्नत के मालिक है। और आला हजरत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब। अगला आप बोल दे यार, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हम रसूलुल्लाह के, बोलो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, वमा अलैना इल्लल्लाह।